ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का गांव। यहां के निवासी दिनेश काफी उत्साहित है। उत्साहित इसलिए क्योंकि अब इनका अपना पक्का मकान बन रहा है। बरसात में अब इनके बच्चे भी चैन से सो पाएंगे, क्योंकि अब इनके ऊपर अब कच्ची छत नहीं बल्कि पक्का मकान और पक्की छत जो होगी। पहले दो दो तीन तीन तिरपाल डालते थे, चार चार पाँच पाँच बांसन रखते थे, बाल्टी है, तस्सल है, जो भी बांसन है घर में पूरे रखे जाते थे। तब भी तो अभी सो नहीं पाते थे, सारी रात जगते थे। अब इतना आराम हो जाएगा, चाहे कितना भी पानी गिरता रहे तो मतलब अपने चैन से बच्चे सो सकते हैं। गरीबी की वजह से कैलाशी भी अपना मकान नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब उनका भी खुद का पक्का मकान बन रहा है। बाहर शौचालय जाते थे, लैट्रिन वगैरह कुछ नहीं थी और मकान भी नहीं बना सकते थे हम, लेकिन अब बना रहे हैं। प्रधानमंत्री सहित को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने हमें बताया है, ये काम करवाया है हमारा। हमारे पास तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम मकान बना सके पक्के। सुरेश को भी लोगों से पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान भी पक्का बन सकता है, तो इन्होंने भी देरी न करते हुए तुरंत आवेदन कर दिया और इन्हें भी आसानी से इस योजना का लाभ मिल गया। हमको पता चला, हमने फार्म डाला, मिला हमको, आसानी से मिल गया। आसानी से मिला, कोई दिक्कत नहीं आई। बिलौवा गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पहले उन्हें बरसात का सामना करना पड़ता था, बहुत सी चुनौतियां थी जिनका उनको सामना करना पड़ता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ मिला है, अब उसके तहत वो अपने घर को बना सकते हैं। अब उनकी पक्की छत होगी, अब उन्हें किसी भी बारिश का डर नहीं होगा। दिनेश, कैलाशी और सुरेश की तरह इस गांव में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने का मौका मिला है। PMAYG के तहत बनने वाले प्रत्येक पक्के घर से अब ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बहुत तेजी से बदल रही है।